नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मतदान प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। 7 सीटों पर कुल 69 प्रत्याशियों मैदान में है। इनमें से 7 सीटों में से 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। हालांकि झुंझुनू और देवली उनियारा के मतदान केंद्रों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को एजेंटों के साथ मारपीट के आरोप भी लगते हुए नजर आए, तो वहीं खींवसर में कांग्रेस प्रत्याशी रतन चौधरी ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर गाड़ी चढ़ाने के गंभीर आरोप लगाए। देवली उनियारा में जहां नरेश मीणा ने उपचुनाव को काफी दिलचस्प बना रखा है, तो वहीं मतदान के दिन एसडीएम के साथ मारपीट के बाद अब राजनीति में थोड़ी गर्माहट शुरू हो चुकी है। नरेश मीणा ने आरोप लगाया है कि मतदान का बहिष्कार होने के बाद भी एसडीएम द्वारा जबरन वोट डलवाए जा रहे थे, जिसके बाद ये कदम उठाना पड़ा। एसडीएम के साथ मारपीट के विरोध में आरएस एसोसिएशन ने सचिवालय पहुंचकर नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग की। गिरफ्तारी नहीं होने पर सभी आरएस अधिकारियों ने पैन डाउन हड़ताल की चेतावनी भी दे डाली। प्रदेश में मौसम लगातार करवट ले रहा है। बीते दिनों में तापमान गिरने के साथ ही अब लोगों को राहत मिलने लगी है। हालांकि अभी भी दिन और रात के तापमान में औसत से करीब 2 से 3 डिग्री तक की ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम फिलहाल शुष्क बना रहने के चलते तापमान में ज्यादा गिरावट होने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही पहाड़ों पर अभी तक बर्फबारी शुरू नहीं होने के चलते भी तापमान में गिरावट दर्ज कम की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में मौसम बदलने के साथ ही तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। नगर परिषद की ओर से जंक्शन के बाईपास पर बनाए जा रहे बस स्टैंड की 4 दीवारी के निर्माण कार्य का शिलान्यास बुधवार को विधायक गणेश राज बंसल, सभापति सुमित रणवा व प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय ने किया। इस जगह में ड्राइंग व मास्टर प्लान में बस स्टैंड के निर्धारित हैं। करीब 19 बीघा भूमि में 8 से 10 माह में बस स्टैंड का निर्माण होगा। विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि इस जगह भव्य बस स्टैंड का निर्माण होगा ताकि हनुमानगढ़ के भविष्य को देखते हुए ये बस स्टैंड सुचारू रूप से कार्य कर सके। किसी प्रकार की कोई परेशानी आम यात्रियों को न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रही 4 मैचों की T20 का तीसरा मुकाबला आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। पहला मुकाबला 61 रनों से जीतने के बाद दूसरे मुकाबले में भारत को 3 विकेट से हार से सामना करना पड़ा। दूसरे मुकाबले में भारत का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से फ्लॉप रहा था, तो वहीं तीसरे मुकाबले में जीत हासिल करते हुए भारत बढ़त बनाने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। एक बार फिर से भारत पूरी तरीके से संजू सैमसन और सूर्य कुमार की बल्लेबाजी पर निर्भर रहेगा, तो वहीं गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती के अलावा अभी कोई भी अच्छा गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ ने एक महत्वपूर्ण मामले में वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर की 3 वर्षीय वेतन वृद्धि की रिकवरी पर रोक लगा दी है। मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय व रजिस्ट्रार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश डॉक्टर यश दशोरा की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेन नील ने मामले में पैरवी की। एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग को लेकर 2 युवकों द्वारा पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद अब कुछ राहत की मिलने की संभावना है। किरोड़ीलाल मीना से वार्ता के बाद 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसके बाद युवाओं की मांग को बल मिला है। आपको बता दें कि एसआई भर्ती रद्द पर नियम समय में फैसला हो, प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल सरवा से कराई जाए, हिरासत में लिए गए सभी युवाओं को छोड़ा जाए, जो टंकी पर 2 युवा चढ़े थे उन पर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज न हो, आरपीएससी में बैठे तत्कालीन अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, संजय चौधरी और शामिल मंत्रियों पर कार्रवाई की जाए, इन मांगों पर सहमति बनी है। गौरतलब है कि बीते दिन किरोड़ीलाल मीणा ने वार्ता करके दोनों युवकों को पानी की टंकी से नीचे उतारा था। शेयर मार्केट में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। बीते दिन 800 से ज्यादा अंकों की गिरावट के बाद आज भी सेंसेक्स में 984 अंक टूटा। कारोबार बंद होते समय सेंसेक्स 77,690 अंक के स्तर पर रहा। निफ्टी का भी आज बुरा हाल रहा। निफ्टी में भी आज 324 अंकों की गिरावट देखी गई। यह 23,559 अंक के स्तर पर बंद हुआ। मतदान और दिलचस्प तस्वीरें सामने ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में आज भी ऐसी कई रोचक तस्वीरें देखने को मिली। कहीं मतदान केंद्रों पर दुल्हा दुल्हन जोड़े से वोट डालते हुए नजर आए, तो कहीं दुल्हन डोली उठने से पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आई। इसके साथ ही दौसा में महिलाएं गाजे बाजे बजाते हुए अपने मताधिकार का
प्रयोग करने पहुंची। चुनाव आयोग की ओर से ज्यादा मतदान करवाने की अपील करते हुए कई कैंपेन भी आयोजित किए गए। अधिकारी कर्मचारी बिजली कनेक्शन के आवेदन नहीं रोक पाएंगे। कनेक्शनों को दस्तावेजों में मामूली कमियां बताकर अटका दिया जाता है। इसके लिए डिस्कॉम प्रशासन ने मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। उपभोक्ता क्लर्क सभी दस्तावेज की जांच आवेदन प्राप्ति के दिन ही पूरी करेगा। क्लर्क कनेक्शन के आवेदन को अनुमोदन के लिए IN को अग्रेषित करेगा। मामूली कमियों के कारण किसी आवेदन को होल्ड नहीं रखा जाएगा। प्रमुख कमियों को NCMS सॉफ्टवेयर में सीमा CC द्वारा दर्ज कराया जाएगा। कमियां पूरी करने के लिए जिस तारीख को नोटिस भेजा जाएगा, साइट का सत्यापन हो, JN को एक्सिमेट बनाकर एक ही दिन में फाइल अग्रेषित करनी होगी। IN के अनुमोदन के बाद उपभोक्ताओं को 2 दिन के भीतर मांग पत्र भेजना होगा। मेट्रो सिटी में SCO का अनुपालन 2 दिन में भीतर किया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ये अवधि 5 दिन निर्धारित की गई है। बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए समय रेखा जारी की गई है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।